ऑलवेज किसी की तकदीर और जिंदगी बाकी बदल सकता है। से ऑलवेज ही इज गुड, ही कैन इंप्रूव। नेगेटिव वर्ड्स अवॉइड करेंगे जिंदगी में बहुत मांगते हैं और लोग बेहतर होंगे। राइट, फेस टू इज ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, शुक्र अदा करना, शुक्र गुजार बर्ताव करना। जो शुक्र अदा करते हैं उनके नेमतों के दरवाजे खोल देते हैं मेरे बाप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्रन शुक्र कसीरन कसीर, हम तेरी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं हमेशा हमेशा के लिए। शुक्रन शुक्र कसीरन कसीर अबदन अबदन, हमेशा हमेशा के लिए। ये वजीफा आजमाएं आपने के, यू विल बी ब्लेस्ड इन लाइफ। जितनी नेमतों का शुक्र बढ़ाएंगे उतनी नेमतों के दरवाजे खुलते जाएंगे, और नेमतों के दरवाजे उन लोगों के बंद हो जाते हैं जो नेमतों की कदर नहीं करते। दे लॉ नेचर है मेरे रब का कानून है। तो शुक्रानी से नेमतें बढ़ती, ग्रेटिट्यूड फील करो और लोगों को उस ग्रेटिट्यूड की अहमियत का एहसास दें, उसे बहुत आगे चीजें निकल जाए। राइट, देन इज फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। फॉरगिवनेस में ये आता है कि यू लर्न टू टॉलरेट अदर, यू लर्न टू एक्नॉलेज अदर, यू लर्न टू हैव पेशेंस फॉर द पर्सनैलिटी ऑफ अदर्स, यू लर्न टू होल्ड अदर्स कैन स्पीक एंड आई कैन लिसन, एंड यू कैन लर्न टू लिसन अदर हो आई वुड लाइक टू बी लिसन। जिस तरह मैं पसंद करूंगा मुझे सुना जाए, मैं उस तरह लोगों को सुनने की प्रैक्टिस करूँ। इसमें मैनरिज्म आ, इसी में मैनरिज्म, इसी में अखलाक। हमारे यहाँ इम्पेशेंट हो जाते हैं, अपनी बात पहले सुनाना चाहते हैं, शोर आ जाता है अपनी सुना के। वो एक कॉन्सेप्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, मैं पढ़ाता हूँ, उसमें आता है कि वी ओनली लिसन टू रिप्लाई, वी डोंट लिसन टू लिसन। हम सिर्फ रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे से बेहतर तो इसका रिप्लाई क्या देना है, रिप्लाई क्या। हम भूल ही जाते हैं कि इसके इस जुमले में कौन सा गोहरे नायाब छुपा हुआ है जो मेरी और इसकी जिंदगी बदल सकता है। वो सुनना क्या कह रहा है, कहने वाला कौन है, वो छुप भूल गया क्या क्या है। तो वी डोंट लिसन टू रिप्लाई, वी शुड लिसन टू लिसन। इससे बहुत ग्रेटिट्यूड आएगा, फॉरगिवनेस आएगी, ओपननेस आएगी। ह्यूमन बींग से गलतियाँ भी होती, ह्यूमन बींग कंपोजिट फोर्स है, उसमें गलतियां भी होंगी। अगर मैं आप और हम रिश्ते हों तो हमेशा उनके सामने रहते, तो वी लर्न टू टॉलरेट दी फॉल्ट, किस फॉल्ट पे कितनी डिफरेंस है और किस फॉल्ट पे। और फ्रेंकली स्पीकिंग, जिस तरह ऑडिट वाले कहते हैं ना, यू नो के ऑडिट ऑब्जेक्शन होते हैं, और अक्सर मैं क्लियर करना चाहता था अपनी फॉर्मेशन की तरफ से स्ट्रेटजिक फॉर साउथ की, तो क्या होता था ऑडिट वाले एक सेंटेंस कहते हैं, विच आई लर्न फ्रॉम ऑडिट पीपल, वो कहते हैं देयर इज नो ऑडिट रेस विच कैन नॉट बी सेटल। उनका जो चार्ज है उसमें देता है पूरे पाकिस्तान में, ही वॉज राइट, देर इज नो ऑडिट विच कैन नॉट बी सेटल्ड, एंड देर इज नो मिस्टेक विच कैन नॉट बी करेक्टेड। ये मैं कह रहा हूं, मिस्टेक को करेक्ट करने का एम एक होता है कि दैट मिस्टेक विल नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। हम सिर्फ करेक्ट करके पनिशमेंट देके चुप हो जाते हैं, वी डोंट कैरी आउट दी स्टेप्स हाउ इट शुड नॉट हैपन इन फ्यूचर, उस पर काम करें। या बड़े बीवी लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, उससे बेहतर आई क्यू के लोग हैं, इस पर काइंडली आपको काम करने की जरूरत है और मुझे लर्न करने की। राइट, फ्यूचर ड्रीमिंग, जो ख्वाब नहीं देखते वो ख्वाब हासिल भी नहीं करते। जिनको ख्वाब आते नहीं, जो ख्वाब सोचते नहीं, जागते उठते ख्वाब देखते नहीं, ख्वाब हासिल भी नहीं करते। जो गोल सेट नहीं करते, गोल तक पहुँचते नहीं। सो लर्न टू हैव ड्रीम्स and learn to have execution method of those dreams. उन dreams को पूरा कैसे किया जाए। मेरा बेटा टेक्निकल कैंडिडेट है, आजकल पीएम में जा रहा है, तो उसने एक दिन बड़ी अच्छी बात की, पूछा यार मैं स्पीक प्राउड ऑफ यू। उसने कहा बाबा एक पश्तो की कहावत है, जो मुसीबत परेशान कर रही हो बार बार सुबह उठने में सबसे ज्यादा उठते ही उसको गले लगाना और उसको मार दें। लव इट, ये जो भी मेरी पश्तो नहीं आती जो उसने ट्रांसलेशन बताई दे, यानी मुसीबत के टुकड़े कर दें तो उसको गले लगा दें। वो मुसीबत, वो परेशानी, वो कंसर्न जो आपको एक्यूमुलेट कर रहे हैं और आपके बैक ऑफ द माइंड बहुत ज़्यादा छाया हुआ, उसको सुबह उठते ही सबसे पहले एड्रेस ही उसको करें। यू विल बी अ बेटर फाइटर, फाइटर टू परफॉर्म।
तो ये लर्न कर। मैंने ये प्रिंसिपल अपनाई तकरीबन 6 साल हो गए, तो फ्रेंकली स्पीकिंग आई एंजॉय मी लाइफ। तो जो कंसर्न बात है पहले उसको क्लियर कर ले, अगली बात की बात। तो इसी तरह जो ड्रीम देख के नहीं वो ड्रीम हासिल भी नहीं कर सकते। और ड्रीम देखने के लिए रिलेशंस में बैलेंस, बेगम के क्या हक होते हैं, पेरेंट्स के क्या हक होते हैं, यूनिट के क्या हक होते हैं, फैमिली के क्या हक होते हैं, आर्मी के क्या हक होते हैं, मेरे मुआशरे के क्या हक होते हैं, मेरे भाइयों बहन भाइयों रिश्तेदारों के क्या, इट हैज टू बी अ बैलेंस थ्रू टेक्निक्स। अगर हर दफा हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई और स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्राई कम्युनिकेशन शुरू कर देंगे तो रिश्तों से प्यार की मोहब्बतों की जो चाशनी है जो उसमें कैचअप है वो उतर जाएगा, और जब रिश्तों से मोहब्बत ना रहे तो उनको मिलने का फायदा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ रिश्ते खून के लिए एहसास कहते हैं, लेकिन साथ कोट करता हूँ अल्लाह के नबी की हदीस है जिसका मफहूम है, जो शख्स चाहता है कि उसको इज्जत मिले, उसके रिस्क में इजाफा हो, उसकी उम्र में बरकत हो, उसके जाने के बाद उसका नाम हो, तो खून के रिश्तों के साथ सिला रहनी करो, मोहब्बतें बांधे, इग्नोर करे, अच्छा ही करो। रिश्ते खून के नहीं होते, एहसास के होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके फ्रेंड्स में से फ्यू फ्रेंड्स शुड बी लाइक दैट, वेयर यू कैन क्रेम अबाउट एवरी थिंग इंक्लूडिंग सीओ यूनिट वाइफ फैमिली, शेयर, गेट सिंसियर आइडिया एंड ही सिंसियर टू यू। हम जो कुछ हैं, मैं जो कुछ हूँ, मैं दोस्तों के साथ, और जिसको लाइफ में 3 से 4 सिंसियर दोस्त मिल जाए, ही इज अ सक्सेसफुल लाइफ, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं।